नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज हम खबरों की बात नहीं करेंगे, आज हम कुछ रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, क्रिकेट के कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जिनको सोचकर जिनको समझकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के वर्ल्ड क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? जी हाँ, हम वनडे टेस्ट या टी20 की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं। जी हाँ, आप सोचकर देखिए, आप अंदाजा लगाकर देखिए, थोड़ा सा आप दिमाग चलाएंगे तो आपको शायद उसके नाम का पता चल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप घूम फिर कर शाहिद अफरीदी पर आ जाएंगे। लेकिन शाहिद अफरीदी नहीं है, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर किसी खिलाड़ी के नाम है तो वो है क्रिस गेल। जी हाँ, यूनिवर्स द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम है सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। क्रिस गेल ने 534 छक्के लगाए इंटरनेशनल क्रिकेट में 462 मैचेस में। जी हाँ, उन्होंने कुल मिलाकर 462 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 534 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम आता है शाहिद अफरीदी का। जी हाँ, शाहिद अफरीदी वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 37 गेंदों में शतक लगाकर अपने पहले ही मैचों में 37 गेंदों में शतक लगाकर खलबली मचा दी, वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया था। तब से लेकर अब तक वो छक्के लगा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, हालांकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और जो पहले नंबर पर खिलाड़ी हैं वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास ले चुके हैं। अब आपको बता देते हैं शाहिद अफरीदी ने कितने छक्के लगाए हैं। शाहिद अफरीदी ने 476 छक्के लगाए हैं 508 इंटरनेशनल मैचेस में। ये दोनों ही खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं फिलहाल। तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है उसका नाम सुनकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। जी हाँ, शायद आप गेस कर सके उस खिलाड़ी का नाम, क्योंकि पिछले एक साल में इस खिलाड़ी ने जो कारनामे किए हैं, जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसको सभी जानते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं रोहित शर्मा, द हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने केवल 364 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इन 364 इंटरनेशनल मैचेस में 423 छक्के वो लगा चुके हैं, तीसरे पायदान पर आ गए हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम मैचेस में कोई खिलाड़ी 400 से ज्यादा छक्के लगा सकता है। 423 छक्के लगा चुके हैं रोहित शर्मा। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं। चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे टी20 हो, कुछ भी हो, इस हर तरह के क्रिकेट में उन्होंने अपना जलवा बरकरार रखा है। हर तरह के क्रिकेट में उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं। और चौथे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम ब्रैंडन मैकुलम, उनका नाम है 398 छक्के ब्रैंडन मैकुलम ने मारे हैं 432 मैचेस में। बहुत ही गर्मी हो गई है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है। ये छक्कों की बात जब हम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 432 मैचों में 398 छक्के लगाए, दो छक्के कम रह गए इनके 400 छक्के होने में, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अब संन्यास ले चुके हैं, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पे हैं। पांचवे नंबर पे जो खिलाड़ी है उसका नाम है भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, जिनको दुनिया का सबसे अच्छा फिनिशर बल्लेबाज माना जाता था वनडे क्रिकेट का, और बहुत ही जबरदस्त तरीके के बल्लेबाज थे। जब भी मैदान में उतरते थे तो मैच को खत्म करके ही जाते थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया है, लेकिन ये तो कोई नहीं जानता कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने 526 मैचों में 359 छक्के लगाए हैं। जी हाँ, 359 छक्के, 350 से ज्यादा छक्के वो लगा चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा उनके नाम रिकॉर्ड हैं। और ये तो हुई छक्कों की बात, आपको बता देते हैं इन टॉप के जो नंबर वन पर जो खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, उन्होंने किस फॉर्मेट में कितने छक्के लगाए हैं। सबसे पहले क्रिस गेल की बात करते हैं। क्रिस गेल ने 331 मैचों में, 331 वनडे मैचों में 301 छक्के लगाए हैं, जबकि 98 टेस्ट मैचेस में क्रिस गेल के नाम 103 छक्के हैं, और टी20 के 105 मैचों में क्रिस गेल ने 58 छक्के लगाए हैं। अब बात कर लेते हैं, मुझे लगता है नहीं शाहिद अफरीदी के बारे में आप जानना चाहेंगे, नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। रोहित शर्मा ने 224 वनडे मैचों में 244 छक्के लगाए हैं, 32 टेस्ट मैचों में 52 छक्के लगाए हैं, और 108 टी20 मैचेस में 127 छक्के लगाए हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं, और वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त बहुत जल्दी आ सकता है जब रोहित शर्मा शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल को पछाड़ कर नंबर वन पोजीशन पर आ सकते हैं। और बहुत सारा करियर उनका अभी बाकी है, 3-4 साल का क्रिकेट कम से कम उनके अंदर अभी बाकी है, और 4 सालों में रोहित शर्मा आपको लगता है हो सकता है एक दो डबल सेंचुरी और मना दे, 3 डबल सेंचुरी अब तक लगा चुके हैं। बहुत ही एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं, बहुत ही हिटमैन उनको बोला जाता है, बहुत ही बेदर्दी से गेंदबाजों की पिटाई करते हैं। तो हो सकता है आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जो भी शेड्यूल है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें रोहित शर्मा कुछ और छक्के लगाएं और शायद शाहिद अफरीदी को इस टूर्नामेंट में वो पछाड़ दे। तो हम लगातार आपको वीडियोस देते रहेंगे, लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब पेज के साथ जिसका नाम है ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर।